स्टूडेंट्स ऑफ सेवन स्टैंडर्ड, हम अपना ग्रामर का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकेंड चैप्टर है आपका नाउंस। अब नाउंस क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। नाउंस क्या होते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडियाज। नाउन वो चीज़ का नाम होता है जैसे किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, जगह का या चीज़ों का, या फिर कई बार इमोशंस, हमारे जो मन के भाव होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है या आइडियाज़ होते हैं, उसको भी हम नाउन कहते हैं। अब नाउन्स कैन बी ऑफ फाइव काइंड्स। नाउन्स पांच तरह के होते हैं। अब वो कौन से पांच तरह के होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स मीन्स ये रहा बीच में नाउन, और इसके फाइव फॉर्म्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम इसके बारे में एक एक के लिए अलग अलग से दिया हुआ है। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी चीज़ का जो नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जांपल में जॉन, दिल्ली, चेन्नई। तो जॉन जो है व्यक्ति का नाम, दिल्ली और चेन्नई जो है ये प्लेसेस के नेम हो गए। अब कॉमन नाउन्स, जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। जनरल नेम्स यानी कई सारी चीज़ों के लिए एक नाम जो दे दिया, जैसे कि स्कूल, स्कूल में कई सारे बच्चे हैं तो हर एक का नाम नहीं लिया गया, उसी तरह से यहाँ पे अब एग्जांपल्स में देखिए, बॉयज़ पार्क, चेस। बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के, पार्क माने गार्डन, चेयर्स माने कुर्सियाँ। अब कलेक्टिव नाउंस, कलेक्टिव नाउंस क्या है? नेम्स ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। अब जैसे बहुत सारे लोगों का अगर ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसको हम एक अलग नाम देते हैं। एनिमल्स का अगर झुंड होता है तो उसको हम अलग नाम देते हैं। उसी तरह अगर चीज़ें एक साथ रखी गई हैं तो उनको भी हम अलग नाम से नवाजते हैं। उसी तरह अब कैसे होगा, जैसे सैनिकों का ग्रुप है तो आर्मी हो गया, वो उसका क्या बोलते हैं, कॉबलर्स का ग्रुप होगा तो मॉब हो जाएगा। नेशन यानी कई सारे देशों का ग्रुप होता है तो उसको हम नेशन कहते हैं, या कई सारे स्टेट्स का ग्रुप हो तो नेशन। उसी तरह अब आ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? नेम्स ऑफ क्वांटिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच। अब कुछ चीज़ें होती हैं या मन के भाव ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी महसूस करने वाली जो भावनाएं होती हैं उसको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जांपल फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, दोस्ती को कोई देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, लेकिन वो फील किया जाता है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को भी हम से फील कर सकते हैं। ब्यूटी यानी सुंदरता को भी हम देख के फील कर सकते हैं। अब मटेरियल नाउंस, नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस सच एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स। अब चीज़ें बनाने के लिए हमको कुछ और नई नई चीज़ों का उसमें ज़रूरत पड़ता है, यानी मिश्रण। तो चीज़ों को जब हम मिश्रित करके एक नई चीज़ बनाते हैं, वो हो जाती है हमारे मटेरियल्स। अब एग्जाम्पल में देखिए, वाटर, आयन, स्टील। अब वाटर हमको कई सारे जूस बनाने के लिए वाटर मिक्स करना पड़ता है। आयन हमको लोहे के कई सारी चीज़ें बनानी हो तो आयन का हमको ज़रूरत पड़ता। स्टील भी जो है वो उसी तरह धातु, एक तरह से धातु कह सकते हैं आप इसे। अब ये एक्सरसाइज ए में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड नेम देम। अब यहाँ पे नाउन कौन से तरह के हैं उसका नेम आपको बताना है। तो ये मैंने एक्सरसाइज की हुई है, आपको पीडीएफ थ्रू मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने नेम्स डाल दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने ए एन डाला है, प्रॉपर नाउन मीन्स मैंने पी एन डाला है, कॉमन नाउन मीन्स सी एन एन, मटेरियल नाउन मीन्स एम एन, कलेक्टिव नाउन का मैंने सी एल डाला है, कलेक्टिव है इसलिए। अब यहाँ पे देख लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि पी एन मीन्स प्रॉपर नाउन, सी एन मीन्स कॉमन नाउन, ए एन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी एन मीन्स कॉमन नाउन, पी एन मीन्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज ए खत्म। अब क्या हमको देखना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस।
काउंटेबल मतलब जिनको हम आराम से गिन सकें ऐसी चीज़ें, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है सिंपल सा मीनिंग कि जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउंस और काउंटेबल्स आर द नाउंस दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउंस या काउंटेबल्स उसे कहते हैं जो कि आसानी से गिना जा सके, जैसे बुक्स, पेंस, पेंसिल्स। काउंटेबल नाउंस हैं बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। अब जितने भी काउंटेबल नाउंस होते हैं उनके दोनों ही फॉर्म पाए जाते हैं, सिंगुलर यानी एक भी हो सकता है एंड प्लूरल माने कई सारे, अनेक, एक और अनेक फॉर्म होते हैं उसके। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउंस आर काउंटेबल। ज़्यादातर हम देखेंगे तो कॉमन नाउंस और कलेक्टिव नाउंस जो होते हैं वो गिने जा सकते हैं आसानी से। अब अनकाउंटेबल नाउंस आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल्स, और उन्हीं को ही हम अनकाउंटेबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, टी, ब्रेड, सोप। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउंस हैव सिंगुलर फॉर्म ओनली। अब अनकाउंटेबल चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आती हैं, सिंगुलर फॉर्म में आती हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गई कि आपको आसानी से पता चल जाएगा, जहाँ भी सिंगुलर दिया रहेगा वहाँ पे आप क्या समझेंगे कि अनकाउंटेबल नाउंस हैं।